पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर बड़ा हमला हुआ है। भीड़ ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पथराव किया, साथ ही ननकाना साहिब गुरुद्वारे का नाम बदलने और सिखों को वहां से भगाने के नारे भी लगाए गए। इस दौरान काफी संख्या में सिख श्रद्धालु ननकाना साहिब गुरुद्वारे में फंसे रहे और वहां से जल्द निकालने की मांग करते रहे। बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत ने ननकाना साहिब पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, ननकाना साहिब पर हमला निंदनीय है, यह हमला सिख धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ है। इस हमले ने फिर बता दिया है कि पाक में अल्पसंख्यक कितने असुरक्षित हैं और CAA लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ननकाना साहिब में हमले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुआ हमला मानवता के आदर्शों और धार्मिक मूल्यों को शर्मसार करने वाली घटना है। इस हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार है। पाकिस्तान की सरकार ननकाना साहिब की सुरक्षा सुनिश्चित करे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ननकाना साहिब में हुई नारेबाजी को लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह से धूप पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, पाकिस्तान में ननकाना साहिब में सिखों पर हमला हुआ और यहां पाक का विरोध के बजाय जिन पर पाकिस्तान में अत्याचार हुआ उनको वापस लेने का विरोध हो रहा है। कहां गए राहुल के पाक ब्रांड एम्बेसडर सिद्धू, टुकड़े टुकड़े गैंग और विपक्ष सब चुप है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ननकाना साहिब मामले को लेकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, ननकाना साहिब में एक भी सिख ना रहने देना, पाकिस्तान में हमारे सिख भाइयों को इस्लाम के नाम पे ये धमकी दी जा रही थी। राहुल प्रियंका गांधी, आपके लिए ये सबूत काफी है या फिर और कुछ चाहिए। दिल्ली में इस हमले के विरोध में सिख समुदाय के लोग पोस्टर बैनर्स के साथ सड़क पर उतरे। इस मौके पर सिख समुदाय ने घटना के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान समुदाय के लोगों ने घटना के लिए पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। फायर ब्रांड हिंदू नेता प्रवीण तोगड़िया ने बड़ा बयान दिया है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि पीएम मोदी पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुए हमले का संज्ञान ले। साथ ही उन्होंने कहा कि तत्काल हमला कर 1971 की तरह पाकिस्तान के दो टुकड़े करें, आधे हिस्से पर हिंदुओं और आधे हिस्से पर मुस्लिमों को स्थापित करें। पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुए पथराव को लेकर जावेद अख्तर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ननकाना साहिब में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जो किया वो पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने कहा कि थर्ड ग्रेड और निम्न दर्जे के लोग ही दूसरे समुदाय के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने साफ किया है कि यह कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा और रोहिंग्या शरणार्थियों को यहां से जाना ही होगा। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या को जम्मू कश्मीर से जाना होगा और हम उनके निर्वासन को लेकर पूरी तैयारी करेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम का सख्त लेकर जनता के बीच में पहुंचेगी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष द्वारा फैलाए गए झूठ, फरेब और भ्रम को बेनकाब करेगी बीजेपी। पार्टी राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर प्रत्येक जिले में संपर्क और गोष्ठियों के माध्यम से CAA के सत्य को तथ्यों के साथ जनता के दरबार में प्रस्तुत करेगी। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 5 जनवरी को एक साथ राज्य मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों पर महासंपर्क अभियान को अग्रसित कर CAA पर मोदी सरकार का पक्ष रखेगी। राजस्थान के कोटा शहर के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 107 हो गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के जेके लोन अस्पताल में जाकर पीड़ित लोगों से मुलाकात की। ओम बिरला ने जेके लोन अस्पताल में लगे खराब उपकरणों को बदलवाने का फैसला किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी नागरिकता संशोधन कानून का अलग रुख अख्तियार करती नजर आ रही है। LJP नेता और सांसद रामविलास पासवान ने कहा है कि धर्म के आधार पर कोई सरकार किसी की नागरिकता नहीं छीन सकती। आपको बता दें, पूरे देश में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है और सभी विपक्षी दलों ने इसका एक सुर में विरोध किया है। अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी LJP भी इसके खिलाफ उतरती नजर आ रही है। BSP सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधने के साथ ही यूपी सरकार को नसीहत दी है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है, राजस्थान की कांग्रेसी सरकार में कोटा में लगभग 107 मासूम बच्चों की मौत हुई।
जो कि चिंताजनक है। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस और इनकी सरकार कतई भी संवेदनशील नजर नहीं आती। यहां पूर्व में यूपी के गोरखपुर में हुई काफी बच्चों की दर्दनाक मौत से सबक सीखकर अब यूपी सरकार को भी अपने अस्पतालों की देखरेख को लेकर काफी सतर्क रहना चाहिए, वरना इनकी भी फजीहत राजस्थान की तरह ही होने में देर नहीं लगेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ऑफिस की तरफ से ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। ट्वीट में हैशटैग भूमाफिया कांग्रेस के साथ लिखा है कि कांग्रेस के घोटालों की संस्कृति के शिकार हुए सोनभद्र और मिर्जापुर के दलित और आदिवासी, इन वंचितों और शोषितों की करीब 15,000 बीघे की जमीन पर कांग्रेस और उनसे पहले परिवार से जुड़े लोगों ने अवैध कब्जा कर इन गरीबों का हक छीना है। ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद से चले आ रहे घोटालों पर एक ही परिवार का एकाधिकार है। प्रियंका गांधी ने मुजफ्फरनगर में हिंसा पीड़ित लोगों से मुलाकात की है। प्रियंका गांधी अचानक मुजफ्फरनगर पहुंची और हिंसा में घायल मौलाना असद रजा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को प्रियंका के आने की जानकारी नहीं दी। मुजफ्फरनगर के बाद प्रियंका गांधी मेरठ पहुंची, जहां प्रियंका गांधी ने मेरठ हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका के साथ कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शहीद अजय की पत्नी को नियुक्ति पत्र सौंपा है। 18 फरवरी 2019 को पुलवामा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मेरठ के अजय कुमार शहीद हो गए थे। सरकार ने उनके पारिवारिक सदस्य को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया था। शहीद अजय की पत्नी प्रियंका ने नौकरी के लिए आवेदन किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। योगी शाम करीब 4 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे और गोरक्षनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। मुख्यमंत्री रविवार को जन जागरण संपर्क अभियान में शामिल होंगे। साथ ही गोरखपुर विश्वविद्यालय और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर संगोष्ठी कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपनों को खोना क्या होता है समझ सकती हूं। ये चिट्ठी में फिरोजाबाद में सीएए के विरोध के दौरान हुई हिंसा में मारे गए परिवार के लिए प्रियंका ने भेजी थी। कल देर शाम गुपचुप तरीके से कांग्रेस के 2 बड़े नेता पीएल पुनिया और राशिद अल्वी ने मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर जो है सामने आई। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एविएशन एकेडमी के एक प्रशिक्षक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 2 पायलट की मौत हो गई है। हादसा देर रात हुआ है। मृतक पायलट की पहचान ट्रेनर अशोक मकवाना और प्रशिक्षु पीयूष सिंह चंदेल के रूप में हुई है। दोनों मुंबई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रात में कोहरा बढ़ने के बाद पायलट को रनवे दिखाई नहीं दिया, जिससे कि विमान करीब 80 से 100 मीटर दूर खेत में जा गया। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। उन्होंने लिखा है, पायलट और को पायलट के मारे जाने का दुखद समाचार मिला। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, परिजनों को इस वज्रपात को सहने की शक्ति दे। कर्नाटक के भाजपा विधायक सोमशेखर रेड्डी ने नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान दिया है। सोमशेखर रेड्डी ने कहा है कि नागरिकता कानून का विरोध करके अच्छा नहीं हो रहा है, प्रदर्शनकारियों को गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। ये प्रदर्शन करने वालों के लिए चेतावनी है, हम 80% हैं और आप 18%। प्रयागराज में एक बार फिर कांग्रेस का पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को गंगा की बेटी बताया गया है। पोस्टर पर लिखा है, यूपी को बचाने आई गंगा की बेटी। इसके अलावा वायरल पोस्टर में जवाहरलाल नेहरू का पूरा परिवार नजर आ रहा है। प्रयागराज में 10 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले में सुरक्षा के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। माघ मेला की सुरक्षा के मद्देनजर नाविकों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाने बाद ही घाटों से संगम तक ले जाने के लिए कहा गया है। 2200 से अधिक जल पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। मेले की सुरक्षा को लेकर 13 पुलिस थाना और 40 पुलिस चौकियां भी बनाई गई।
लखनऊ में 12 से 16 जनवरी को होने वाले युवा महोत्सव में हमीरपुर के दो युवा वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। जिला विकास अधिकारी ने दोनों वैज्ञानिकों के नाम शासन को प्रस्तावित किया था। बीटेक फाइनल ईयर के शेफाली गुप्ता और इंटरमीडिएट के अमन धूरिया को सम्मानित किया जाएगा। उन्नाव पुलिस ने घर के बाहर खेल रही बच्ची की जमकर पिटाई की है। इसको लेकर जब बच्ची की दादी ने विरोध किया तो पुलिस ने उनकी भी पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आगरा के एसएसपी कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। यहां सुनवाई नहीं होने से परेशान एक युवक ने खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने युवक को पकड़कर एसएसपी ऑफिस में बंद कर दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने स्टॉप सेंटर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए दो चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने 7 जनवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि राज्य में बिजली के दाम बढ़ रहे हैं और मार्च में भी बढ़ाने की इसे तैयारी है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा भी महंगी हुई है। इन सब मुद्दों को लेकर विशेष सत्र में सरकार का घेराव किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान बैठक में फीस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस पर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि कोई भी फीस वृद्धि नहीं की जाएगी। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खेल महाकुंभ 2019 का शुभारंभ किया। रायपुर के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। प्रदेश के करीब 500 खिलाड़ियों ने इस खेल महाकुंभ में हिस्सा लिया। हल्द्वानी पहुंचे शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को जल्द से जल्द लंबित पड़े विकास कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। देहरादून एयरपोर्ट को हवाई सेवा के जरिए कुमाऊं मंडल से जोड़ने के लिए आज से देहरादून पंतनगर के लिए हवाई सेवा शुरू की जा रही है। इसके तहत 42 सीटर विमान देहरादून से पंतनगर के बीच उड़ान भरा करेगा। ये सेवा सप्ताह में 4 दिन मिलेगी। देहरादून में तबादला एक्ट के चलते शिक्षकों का तबादला किया गया था। नई तैनाती के बावजूद शिक्षकों ने स्कूल ज्वाइन नहीं किया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि अब उन शिक्षकों की पहचान की जा रही है जिन्होंने मनमानी की है। इसके बाद लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जाएगी। वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए डोईवाला बार एसोसिएशन के वकीलों ने जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया है। इस दौरान डोईवाला पुलिस ने दोपहिया वाहन चालकों के चालान काटे और वकीलों ने वाहन चालकों को हेलमेट दिए। रुड़की जेल में कैदी की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा है। हंगामा बढ़ता देख भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा शांत करवाया। फिलहाल पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। टिहरी बांध की झील में फेरी बोटों को संचालन बंद कर दिया गया है, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फेरी बोटों का पिछले 9 महीने से भुगतान न होने के चलते बोट मालिकों ने इनका संचालन बंद किया है। 2013 में केदारनाथ आपदा से लापता लोगों को ऑपरेशन स्माइल टीम लगातार खोज रही है। अब तक कई लापता लोगों को परिवारों से मिलाया गया है। एक बुजुर्ग जो पिछले 6 साल से लापता था, उसे ऑपरेशन स्माइल टीम ने तलाश करके उसके परिवार से मिलवाया है। चमोली के गोपेश्वर में कांग्रेस ने घरेलू गैस और मेडिकल फीस में हुई बढ़ोतरी पर विरोध दर्ज कराया है। बस स्टैंड गोपेश्वर के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। विकासनगर की मंडी परिषद में दुकानदार खुलेआम पॉलिथीन का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष मंडी में पॉलिथीन के उपयोग को स्वीकार करते हुए सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कह रहे हैं।
अल्मोड़ा में सल्ट थाना क्षेत्र के एक मंदिर में 13 फीट लंबा अजगर घुस गया, जिसको देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने अजगर को पकड़ा। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक राज्य में हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं, जिसके चलते प्रदेश में ठंड और भी बढ़ सकती है। लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लाखों रुपए की शराब को बरामद करते हुए दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। मुजफ्फरनगर के मसूरपुर थाना क्षेत्र में चोरी के मकसद से आए बदमाशों ने चौकीदार की हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही जांच भी शुरू कर दी गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कई वीडियो पोस्ट कर भारत में मुस्लिमों पर यूपी पुलिस के अत्याचार का झूठ का दावा किया। बांग्लादेश के करीब 7 साल पुराने वीडियो को ट्वीट कर इमरान ने दावा किया कि यूपी पुलिस मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है। वहीं यूपी पुलिस ने भी ट्वीट कर साफ कर दिया कि ये वीडियो यूपी के नहीं है, बल्कि मई 2013 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका की घटना है। सोशल मीडिया पर जब इमरान की किरकिरी होने लगी तो उन्होंने ये वीडियो डिलीट कर दिया। अमेरिका ने इराक में लगातार दूसरे दिन हवाई हमला जारी रखा है। इस हमले में अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 6 लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने यह हमला इराक के हशद अल साबी के कमांडर के काफिले को निशाना बनाकर किया था। शनिवार को हुआ यह हमला बगदाद के उत्तर इलाके में ताजी रोड के पास हुआ है। वेस्टइंडीज सीरीज के बाद लंबा ब्रेक लेकर भारतीय टीम शनिवार से श्रीलंका के साथ शुरू हो रही 3 मैचों की T20 सीरीज से मैदान पर वापसी करेगी। सीरीज का पहला मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। इस शहर में सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में बीसीसीआई और असम क्रिकेट संघ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। एसीए के अध्यक्ष रोमेन दत्ता ने हालांकि कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। भारत के स्टार पेशेवर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने अब तक एक भी मुकाबला नहीं कराया है। बॉक्सिंग रिंग के बादशाह विजेंद्र अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहते हैं। फिल्म गुड न्यूज बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म का कुल कलेक्शन 136 करोड़ रुपए हो चुका है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि गुड न्यूज जल्द ही काफी आसानी से 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। ट्वेंटी ट्वेंटी की पहली कॉमिक फ्लेवर फिल्म सब कुशल मंगल बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार तरीके से रिलीज हो गई है। इस फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं फिल्म के कलेक्शन को लेकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फिल्म ओपनिंग डे पर 15 से 16 लाख रुपए की कमाई करेगी।